मुबारक हो मुन्नी, हो गया राणा सा की स्पर्श इंद्री पे थारा कब्जा। अब राणा सा जाकर भी थारे से दूर ना रह पावेंगे। तुम्हें किसने बोला उतार पकड़ने के लिए? कर क्या रही थी तुम? अगर मैं ना पकड़ती तो आपको बिजली का झटका लग जाता। तो मेरी जान बचाने के लिए तुम अपनी जान खतरे में डाल दोगी? आप पर अपनी सौ सौ जिंदगियां बार दो। आप हमारे मालिक हो, बहरामगढ़ की कुंवर सा। आपके जीवन के आगे हमारी जिंदगी का कोई मोल ना है। तुम औरतों की प्रॉब्लम क्या है? सबकी जिम्मेदारी अपने सर पे लेनी है। Do you have any idea तुम कितनी बड़ी प्रॉब्लम में? हमारी 500 साल पुरानी प्रीत का असर है राणा साहब। आपकी स्पर्श इंद्री पे जो कब्जा हो गया है हमारा, अब आप सिर्फ मने महसूस करेंगे, सिर्फ हमारे एहसास को तरसेंगे, सिर्फ मारी छुअन को तड़पेंगे। मुझे क्या हो रहा है? हमारी जान बचाकर एक बार फिर आपने हमारे पे उपकार क्यों है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। It's okay, मोहिनी, तुम संभालो अपने आप को। मैंने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो मैंने आप में दिए। It's okay, मोहिनी, तुम जाकर आराम करो प्लीज। मुझे तो ये सोच के डर लगो है कि अगर आप ना होते तो हमारा क्या होता? कि कुछ ना क्यों आपने मारे ली? सब ठीक है मोहिनी, तुम जाकर आराम करो मोहिनी प्लीज। कर दीजिए मने, बताना ये सब कैसे हो गया? कहीं चूक हो गई मारे से? माफ कर दीजिए। मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है? मैंने माफ कर दीजिए। इट्स ओके,
सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ मोहिनी। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या वो क्या रहा है? मुझे तने देखने की तड़प पूरी हो गई, तने छूने की कसक पूरी हो गई, अब हमारे मिलन की हिचक भी पूरी हो जाएगी। राणा साहब, पांच सौ साल की इंतजार की है अब तक, इसमें सिर्फ मैं चली थी। आज से आप भी इस कृतपन का शिकार होगी। आपकी स्पर्श बिंदी मारी कठपुतली है। आपके होठों ने मारे होठों को छूकर खुद इंतजार को खत्म और गुस्ताखियों के सिलसिले को शुरू किया है। अब मारे स्पर्श का पूरा जादू आपके सर चढ़ के बोलेगा, सौतन तू तो गई। सिया मेरी बात सुनो, सिया लिसन टू मी। सिया मेरी बात सुनो, सिया लिसन टू मी। मेरी बात सुनो, गिव मी अ चांस टू एक्सप्लेन, जस्ट वंस, सिर्फ एक मिनट प्लीज सिया, प्लीज सिया प्लीज। I know you are very upset, but I can explain this. See, पिछली बार जो हुआ वो मैंने जानबूझकर किया था तुम्हें अपसेट करने के लिए। जब मैंने मोहिनी के हाथ चूमे थे, लेकिन इस बार नहीं। I didn't mean any of it. तुम्हारा गला दबाना, I don't know मैंने इतनी घटिया हरकत क्यों की। सिया तुम जानती हो ना ऐसे कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें कहा था ना। सिया मेरी बात, सिया मोहिनी मुझे बचा रही थी, मुझे बचाते बचाते उससे करंट लग गया। वो गिर के बेहोश हो गई, उसको सांस नहीं आ रही थी। उसको बचाने के लिए मैंने उसको CPR दिया और वो होश में आई और इमोशनल होकर उसने मुझे हग कर लिया। अब इवन आई गॉट ऑफवर्ड, पर मैं क्या करता? मुझे नहीं पता वो उसका ब्लाउज कैसे टूट गया, कैसे गिर गया। थिंग्स गॉट ऑफवर्ड सिया, और उस वक्त जो मुझे ठीक लगा मैंने किया। नो, पहन लो इसको। मैंने उसको अपना कुर्ता दे दिया, मगर उससे ज्यादा कुछ नहीं है सिया। सिया प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड, मैंने सच में कुछ नहीं किया। आई डोंट हैव एनी फीलिंग्स फॉर हिम।
और हमारे बीच में भी कुछ नहीं है। मैं सोच भी नहीं सकता ये सब सिया। You have to trust me। सफाई मांगी मैंने। नहीं ना, तो फिर क्यों दे रहे हो? क्योंकि सिया, आज जो मैंने तुम्हारी आंखों में देखा उसने मुझे अंदर से झिझोड़ दिया। मेरी आंखें पढ़ सकते हो राम, लेकिन मेरा दिल नहीं। सिया, सिया, आई नो, आई नो, तुमने तुम्हें बहुत बहुत हर्ट किया। तुम्हें तुम्हें मारने तक की कोशिश की मैंने, पर मुझे नहीं पता ये सब। I can't control all this, सिया। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। मैं जानबूझकर नहीं करता कुछ भी। तुमने जो कुछ भी किया वो तुम होकर भी नहीं दे रहा। तुम बेशक मुझे ना बताओ, पर मैं जानती हूं कि ऐसा कुछ तो है जो तुम्हें बॉदर कर रहा है और जिसकी वजह से तुम ये सब कर रहे हो। अगर मैं ये सब नहीं समझती तो इतना सब होने के बाद भी मैं तुम्हारे सामने नहीं होती राम। मैं जानती हूं कि तुम किसी मुश्किल में हो राम, और मैं तुम्हें इस मुश्किल से निकाल कर रहूंगी। अर्धांगिनी हूं तुम्हारी। तुम्हें दर्द होता है ना, मुझे भी तकलीफ होती है राम, और जाने अनजाने में ही सही, तुम्हें मुझे जितनी तकलीफ देनी है तुम दे दो, पर मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जाऊंगी। लेकिन हमारे बीच जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा है राम। ये रिश्ता भी, इसमें बसा प्यार भी, और ये झगड़ा भी, इसके बीच में किसी तीसरे को मत लाओ, क्योंकि हमारी दूरी तो एक दिन खत्म हो जाएगी, मगर उस तीसरे की उम्मीद कहीं इतनी ना बढ़ जाए कि उस उम्मीद के साथ साथ वो इंसान भी टूट जाए। मोहिनी बेचारी मासूम है, तुम उसे गलत इशारा देकर उसके जज्बात जगा रहे हो। इश्क पहन रखा है, प्यार ओढ़ रखा है, थारी आस की मैं दुनिया से मुंह मोड़ रखा है। दर्द बड़ा तेज, सब मुस्कुरा के सहते हैं, इस कदर थारे से रिश्ता जोड़ रखा है। तुम मोहिनी की होप्स बढ़ा रहे हो। तुम राम हो, तुम्हें नहीं पता तुमसे प्यार करना कितना आसान है। अनजाने में ही सही, किसी को झूठी उम्मीद मत दो जिसके पूरा ना होने पर सामने वाले को सिर्फ और सिर्फ तकलीफ मिले राम। सिया, मैं मुझे सच में नहीं पता। Just get out of control, मुझे समझ ही नहीं आता कि वो कैसे रहे। क्या हुआ था राम, अकेले क्यों सह रहे हो सब को? हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था ना कि हम एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे। कोई सपना देखा था ना तुमने? क्या सपना देखा था? नहीं, कोई सपना नहीं, कुछ नहीं। राम मुझे बताओ ना क्या प्रॉब्लम है, हम दोनों मिलके सॉल्व करेंगे उसे। बोलो राम। कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ तो बात है जो राम मुझसे छुपा रहा है, कुछ तो है जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। कोई तो वजह है जो उसे मुझसे दूर रहने पर मजबूर कर रही है। मुझे इसकी जड़ तक जाना ही होगा। ओहेली की खूबसूरती कुंवर सा कुंवरानी सा के बीच माया जाल बन के तो ना उभर रही है।
वर्षा के अनजाने व्यवहार से वाकई सीरत बदल रही है या वह किसी खास मकसद से अट्ठे आई है? कुछ तो है वाकई शख्सियत में जो हमारी अनुभवी आंखें ना पहचान सके। सही कह रही है सीरत, इससे पहले मोहिनी बात को गलत समझा और बात बिगड़े उससे पहले मिलकर उससे बात कर लेनी चाहिए। आपकी स्पर्श इंद्रिय जागृत कर दी है मैंने, अब मारे से दूर ना रह पाओगे आप। खुशबू हमारी सांसों में उतर जाओ ना। बढ़ा रहे हो उसे यूज करके, अनजाने में ही समय किसी को झूठी उम्मीद मत दो, इसके पूरा ना होने पर सामने वाले को सिर्फ और सिर्फ तकलीफ मिलेगा। राणा साहब,